औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, महफिल शान ईद के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हूरिया फ़हीम और ARYQTV के ख़ानदान के बहुत सारे अफराद के साथ आज मैं मौजूद हूँ और आपके साथ ईद मनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ईदुल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस प्यारी ईदुल अज़हा की तमाम तर अहमियत और फजीलतों के साथ इसकी बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए कि ये वो ईद है कि जिसमें इंसान मोहब्बतें, भाईचारा और एक दूसरे के साथ ईसार के जज्बे के साथ ये ईद मनाता है। और हम आज जो यहाँ जमा हैं, यकीनन इसकी वजह भी यही है कि हम अपने वो तमाम तर दोस्त और देखने वाले, मिलने वाले और पसंद करने वालों के साथ ईद मना सकें। और हमारे ख़ानदान QTV के बहुत सारे अफराद जो यहाँ मौजूद हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उनका भी तारुफ करवाऊंगी और उनके साथ भी मिलकर हम बहुत अच्छे से ईद मनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ईद उल अज़हा की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ करवाते हैं और मिलते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन लोग हैं और इनकी किस तरह से ईद इन्होंने मनाई और आज हमारे साथ किस तरह ईद मनाने वाले हैं। मेरे साथ सबसे पहली शख्सियत QTV के ख़ानदान की एक बहुत अहम शख्सियत हैं और अक्सर हमारे इस प्रोग्राम्स में आप देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारी आपा हैं, हम पसंद करते हैं उन्हें और उनको बहुत इज्जत भी देते हैं और आप भी उनका बोलना, बात करना पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नाहिद अब्रार साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। मेरे साथ दूसरी शख्सियत जो हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा है ख़ानदान QTV का, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब स्कॉलर हैं, दीनी स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं ज़रमीना खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है? और यकीनन हम सब की ईद अपने घरों में तो बहुत अच्छी गुजर ही रही होती है, लेकिन आज QTV के साथ सबकी ईद कैसे गुजरेगी आप ज़रूर देखें, पसंद करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और बहुत सारी बातें जो हम ईद में भी कर चुके, क्योंकि कुछ अरसे पहले ही ईद गुजरी है, तो ईद में भी आपने देखा कि सबने बड़े मज़े किए, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, इतनी अच्छी यादगारें शेयर की। तो उन्हीं में से एक और हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सना खां। हम सब इनको सुनते हैं, दोनों बहनें एक साथ पढ़ा करती हैं, लेकिन आज हमने इनको दो अलग अलग जगह पर बैठाया। मेरे साथ हैं सुमैरा फ़हीम साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ईद नज़र आ रही है। मेरे साथ हमारे दाएं जानेब नात खानी की दुनिया के एक ऐसे नाम को मैं मुतारिफ़ कराना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ती हैं, हम सब इनको पसंद करते हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और ये हम सबको खुश करने के लिए इतने मज़े मज़े की बातें करती हैं कि हम सब हंस हंस के अपने गले खुश कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा नौरीन फाइव साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मेरे साथ एक और नात खानी की दुनिया का बड़ा नाम, आप सब पसंद करते हैं इनके नात खानी के अंदाज़ को, इनकी आवाज़ को, और ये भी मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं। सहेलियां तो सारी ही हैं लेकिन ये बहुत अच्छी सहेलियां हैं माशाल्लाह, और सब जानते हैं इस बारे में। आज हमने इनको जमा कर लिया है यहाँ पर। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा अंबर अशरफ साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल वैसे वैसे की वैसी है भाई। ये तो हम सब हर दफ़ा यही बोलते हैं कि वैसे ही हैं। अच्छा जी, मेरे साथ एक और सना खां, मैंने बताया था सहर यूसुफ़ हैं, सहर अदील हो गई हैं माशाल्लाह, और इनका वो नाम क्योंकि हमेशा जहन में रहता है जो आपकी पहचान बनता है, सुमैरा फ़हीम की बहन हैं और हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, दोनों बहनें मिलकर पढ़ा करती हैं। मेरे साथ हैं सहर अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। कैसे हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान नाज़रीन के हम सब यहाँ पर जमा होते हैं और QTV के इस ख़ानदान के ये तमाम लोग आप लोगों के लिए मोहब्बतों के साथ अपने घरों से निकलते हैं, वक्त निकाल कर यहाँ आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ईद में कैसी मसरूफियात होती है, ख़ासतौर पर बड़ी ईद में बहुत मसरूफियात होती है और ख़वातीन का घर में बहुत सारा काम होता है। वैसे तो हर वक्त ही ईद में भी होता है, ईद उल फितर में भी, लेकिन ईद उल अज़हा में ज़्यादा काम होता है, लेकिन आज ये सब यहाँ मौजूद हैं तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब यहाँ आए हैं, हमें वक्त दिया है। और यकीनन ये हमारे लिए बड़ी मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला ने हम सबको आप सबके साथ ईद मनाने का ये शर्फ नसीब किया। आपा की तरफ आती हूँ, आपा से कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर पूछूंगी कि आपा कैसी ईद गुजर रही है? बहुत अच्छी माशाल्लाह। माशाल्लाह। और घर में उजाला और ये सब सबके साथ मिलकर आप लोगों ने ईद मनाई?
तो त्योहारी ऐसा है कि तमाम रिश्तेदार, घर वाले, बच्चे सब एक साथ मिलकर इस खुशी में शरीक होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीनन सब लोग जमा होते हैं, अच्छा वक्त गुजर जाता है सबका एक दूसरे के साथ। तो आपा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से कि ये ईद उल अज़हा कुर्बानी के जज्बे के साथ मनाई जाती है, ईसार का जज्बा होता है, भाईचारा होता है, तो कुरान की रोशनी में ईद उल अज़हा की क्या अहमियत और फजीलत है, इस हवाले से बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इशारत फरमाता है कि बेशक हमने आपको कौसर खैर कसीर अता फरमाया, बस अपने रब के वास्ते नमाज कायम कीजिए और कुर्बानी कीजिए। नमाज अल्लाह ताला की हुजूर इजहार अब्दियत का बेहतरीन जरिया है, जबकि कुर्बानी अपने नफ्स, अपने माल, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह की राह में हुरिया कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है, और अल्लाह की अतात ही बंदगी है। देखिए, कुर्बानी का दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार दिया है। तो सहाबे किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस दिन हमें क्या मिलेगा? तो आकई दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के अवज तुम्हारे नामा आमाल में एक नेकी लिखी जाएगी, और कुर्बानी करने वाले के गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि तक्वा आपका पहुंचता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला देखने वाला ये है कि आप, क्योंकि अक्सर लोग दिखावे में बहुत बहुत ज्यादा जानवर भी जमा कर लेते हैं, और उसका जी उसके बारे में भी। हुरिया, दीन के हर कमाल का जीना तक्वा है। अगर तक्वा हमारी जिंदगी में नहीं है तो हर अमल जो है वो बेअमल हो जाता है। तो हम कुर्बानी भी खुलूस और इखलास नियत के साथ करें, इसमें कोई दिखावा शामिल ना हो, इसमें कोई नमूदो नुमाइश शामिल ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुलूस नियत के साथ अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करता है तो कुर्बानी के माल के बदले इसके नामा आमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और कुर्बानी करने वाले की सारी ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करता है और उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बड़े इख्तिसार के साथ आपने सारी बातें बताई, अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए। और हम जब कुर्बानी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जानवर भी किसी किसी के घर में जमा होते हैं। ज़ाहिर उनकी इस्तेआत के मुताबिक होता है, वो अपनी इस्तेआत के हिसाब से जमा करके और फिर वो लोगों में तकसीम करते हैं। अब बात हो रही है अहमियत के हवाले से कि कुरान में जो अहमियत बताई गई, और हमारे साथ स्कॉलर ज़रमीना खाकवी हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि कुरान की तो बात हुई, हदीस और सुन्नत के हवाले से आप क्या कहेंगी कि ईद उल अज़हा की क्या अहमियत और फजीलत है? शुक्रिया हुरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको और देखने वाले तमाम लोगों को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की ये खूबसूरत खुशियाँ और ये खूबसूरत फेस्टिवल बहुत बहुत मुबारक हो। आप देखिए हुरिया, जब कुर्बानी के हवाले से बात की जाती है, ईद उल अज़हा के हवाले से बात की जाती है, तो हमारे माइंड में ये बात वाजे हो जाती है कि अल्लाह पाक ने हमें इतने खूबसूरत फेस्टिवल्स या जो त्यौहार अता किए हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से, वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं, बहुत भरपूर मैसेज लिए हुए होते हैं। और डेफ़िनेटली हमें बात जहन नशीन हो जाती है कि अल्लाह पाक हमें इतने खूबसूरत ज़राए, इतने खूबसूरत मौाक़े, ओकेजन्स अता फरमाता है जो हमारे लिए बायस बरकत और बायस फजीलत होते हैं। आप देखिए, ईद उल अज़हा का खूबसूरत दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये यादगार सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है एज़ वी नो। और फिर जब हम इस यादगार सुन्नत को फॉलो करते हैं, इसकी पैरवी करते हैं, तो आप देखिए अहादीस मुबारका में ये भी तो आता है कि जिस जगह पर कुर्बानी का खूबसूरत अमल अंजाम पा रहा हो, अगर हम वहाँ भी खड़े हो जाएँ तो डेफ़िनेटली वो अमल भी हमारे लिए बायस बरकत और बहुत ज़्यादा हम रहमतों के हकदार ठहरते हैं। हमारे लिए वो अमल भी बायस फजीलत बन जाता है सिर्फ वहाँ पे खड़े हो जाना है। और फिर इसकी असल रूह को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मोहब्बत इलाही का और हमारे जज्बा इसार का इजहार है, सॉरी कि हम इसार का जज्बा रखते हैं, खुलूस नियत रखते हैं, इसकी बुनियाद अतात इलाही है। तो इसकी असल बेस को, इसकी बुनियाद को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को सिखाना कि जो आपने बात की कि जो हमारा तकवा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचता है, तो डेफ़िनेटली उस तकवा की रूह
को अपने लिए भी बेदार करना बहुत ज़रूरी है हुरिया, और फिर अपने बच्चों को भी छोटी छोटी बातों पे सेक्रीफाइस करना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए जिन खूबसूरत हस्तियों की याद में जिनकी सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जब ये मौका आया तो हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बू जान आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि औलाद जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होती है और आपका कीमती असासा होता है, उसे आप अल्लाह की खुशनूदी और अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें, हाज़िर कर दें। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि बाप कैसा होना चाहिए, एक वालिद को कैसा होना चाहिए और एक बेटे को कैसा होना चाहिए अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए ईद उल अज़हा के खूबसूरत फेस्टिवल पर कि आप इसको सेलिब्रेट करें मोहब्बत इलाही में और इसके साथ साथ सुन्नत को फॉलो करते हुए, और जो गरीबों और मुस्तहकीन तक हक पहुंचा सकते हैं गोश्त की सूरत में या खुशियों की सूरत में वो ज़रूर पहुंचाइए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि मतलब आप सिर्फ इसको सेलिब्रेट करना ही नहीं है, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से नौरीन की तरफ आऊँगी। नौरीन, बच्चे हमारे घर में, हम बहुत सारी बातें बच्चों को इसीलिए बता रहे होते हैं जैसे जैसे ओकेजन आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो अपने बच्चों को किस हद तक बताना चाहिए कि भाई ये क्या तरीका था, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें क्या कहती है उस बारे में? देखो, अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि बच्चों ये जो है ना हर चीज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, अब एक क्लिक पे बताने की हाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू से माहौल भी इनको इसी तरह का मिला। तो और इस कुर्बानी एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर कितने सारी चीज़ें ऐड है। वाकई इसमें गरीबों से मोहब्बत का भी बताया गया है, इसमें अपनी चीज़ को कुर्बान कर देने के भी बारे में बताया है। तो वो हर चीज़ जो है ना उसको जहन में लेके जब बच्चे चलते हैं तो खुद ब खुद उनके अंदर इस तरह की बातें आती रहती हैं कि हमें हमारे घर में ये जानवर आने वाला है, हमें उसको किस किस तरीके से उसका ख्याल रखना है और किस किस चीज़ का उसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, या हमें इस चीज़ का फ़ायदा हमें किसको पहुँचाना है इस चीज़ से। तो मैं समझती हूँ कि अब बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इस बात के लिए ट्रेंड हो चुके हैं। बिल्कुल। और अंबर भी हमारे साथ हैं, याजान के हवाले से हमें बताइए कि याजान की क्या मसरूफियात रहीं इस पूरे अशरे के अंदर, क्योंकि होता यह है कि बच्चे इस काम में लग जाते हैं जैसे ही उनके घर में जानवर आते हैं कुर्बानी के, तो वो उसमें फिर लगे रहते हैं, मसरूफियात उनकी इतनी बढ़ जाती हैं कि अम्मा अब्बा को याद नहीं रहते। बिल्कुल। तो इस बारे में क्या कहोगे? याजान के हवाले से मैं कहूँगी कि याजान माशाल्लाह तुम्हें पता है बहुत शुरू से बड़ा समझदार बच्चा रहा है। वो 3 साल का था तो उसको माशाल्लाह जब ये ओकेजन आया तो उसको पूरा वाकया अपने सारे फ्रेंड्स को बताता था, कज़न्स को, कि वाकया इब्राहिमी जो था पूरा वो बताता था। और इस साल माशाल्लाह स्पेशल चीज़ ये थी क्योंकि उसको बहुत बहुत शौक़ है कुर्बानी का ना, और अपनी ईदी जमा करता है या जो भी उसको जो कोई भी दे वो जमा करता है। इस दफ़ा माशाल्लाह उसने खुद अपनी जो उसकी अर्निंग थी, जो उसके जो भी पैसे थे, उसने उससे खुद अपना एक बकरा खरीदा। अरे वाह, माशाल्लाह। उसकी खुद माशाल्लाह मतलब ईद उल फितर की जो ईदी थी उससे उन्होंने अपने बकरीद का 2 साल से वो पैसे जमा कर रहा था। पिछले साल माशाल्लाह हमारे घर में असल में ऐसा है कि भले वो जानवर कितने का भी आए लेकिन जिससे जितना भी हो सके कंट्रीब्यूशन करते हैं, सबकी कंट्रीब्यूशन होती है। अच्छी बात। याजान और दरितम, हाँ बट फटाफट अब ये ईद आने वाली है, हमें ये काम करने हैं, ना हमारे जानवर आने वाला है, इंटरेस्ट है ना। बिल्कुल, यहाँ तक कि दरितम ने भी अपने पैसे ऐड किए कि बाबा ये मेरी तरफ से। माशाल्लाह, तो बच्चों में बेइंतहा शौक है दरितम तो माशाल्लाह। जितने याजान साहब जितने संजीदा मिजाज से, दरितम बिल्कुल उनकी उलट है और लेकिन है बहुत प्यारी माशाल्लाह। सुमैरा की तरफ आते हैं और सुमैरा से पूछते हैं कि हमारी जिंदगी पे जो असरात होते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से या कुर्बानी के हवाले से, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? सबसे पहले आप तमाम लोगों को और देखने वालों को सबको ईद मुबारक मेरी जानिब से। आपको भी मुबारक। और आपके सवाल के मुताबिक कि हमारी ज़िंदगी पे असरात क्या होते हैं, मुरत्तब होते हैं, तो यही है कि अपनी चीज़ सबसे प्यारी चीज़ जिससे हम मोहब्बत करते हैं, मैं दिलो जान से कुर्बान हूँ, कुर्बान मतलब हम करना नहीं चाहते उसे जिस चीज़ के लिए, और फिर उसे कुर्बान करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छे दिल से, खुशनूदी के साथ, मोहब्बत के साथ। और इसी तरह बच्चों की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि हम जब कोई जानवर ला रहे हैं कुर्बानी के लिए, चाहे वो हम 1 महीना पहले ले आएँ, चाहे 10 दिन पहले ले आएँ या 20 दिन पहले ले आएँ, उसको मोहब्बत से पालो, पहले खिलाओ पिलाओ, खिदमत करो। खिदमत करने के बाद उनसियत हो जाती है, हमें भी उनसियत हो जाती है और बच्चों को भी उनसियत हो जाती है, फिर उस प्यारी चीज़ को कुर्बान करना।
ज़ाहिर सी बात है, अब यहाँ तो जानवर की बात हो रही है कि जानवर कुर्बान करना, तो इसी से हमारे ऊपर ये मुरतब होता है ये बात के ज़ाहिर है कि हमें वो चीज़ प्यारी जो हमें प्यारी है वो चीज़ हम कुर्बान कर रहे हैं। इंसान का कहते हैं ना कि माल जो है वो ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और उसके बाद उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च करना होता है। ऐसे ही ईद पे होता है, उससे जब ईद में भी इसी तरह ना इंसानों से भी मोहब्बत हो जाती है और जानवरों से भी मोहब्बत हो जाती है। फिर लाकर जब उसकी खिदमत की जाती है तो देखते हैं ना, जब कुर्बानी होती है जिस दिन फर्स्ट डे या सेकंड डे जब भी, तो बच्चे बकायदा रो रहे होते हैं कि हमारे जानवर को क्यों कुर्बान किया जा रहा है। हाँ जी, जिन बच्चों में समझ नहीं होती, जाहिर है वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ उस तरह नहीं, और जिन्हें समझ होती है तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल रोते हैं। अभी प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है, और वक्फा लेने के लिए मैं आपा से कहूँगी कि आपा एक ब्रेक ले लीजिए जरा। नाहिद आपा, प्रोग्राम में अब ब्रेक का टाइम हुआ है, कुछ देर बाद आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। बहुत ईद मुबारक के साथ जनाब, मेरे हाथों से जजाक अल्लाह। हाँ जी, कौन सी? गुलाब जामुन के वही। अच्छा जी, जजाक नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक के साथ। शान ईद में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं शान ईद, और अभी मैं नौरीन और अंबर की तरफ नहीं जा रही हूँ मिठाई खिलाने में, बाद में खिलाऊंगी। अच्छा जी, बातें हो रही थी इस हवाले से कि हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात हैं इस ईद उल अज़हा के, और ये बड़ी ईद है, बड़ी ईद कहलाती है। तो बड़ी ईद के हवाले से हम बात कर रहे थे, और यकीनन हर किसी की ज़िंदगी में एक अलग तरीका कार होता है, सबके घरों में एक मज़ा आ रहा होता है, किसी के घर में पहले दिन कुर्बानी, किसी के घर में दूसरे दिन कुर्बानी, इस तरह से हिसाब किताब चल रहा होता है। जी जनाब, हम आते हैं सहर की तरफ, और सहर से पूछते हैं। जी सहर, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, हर साल की तरह, लेकिन इस मरतबा ये चेंजिंग थी कि माशाल्लाह बेटी बड़ी हो गई है, तो माशाल्लाह पिछले साल वो डेढ़ साल की, उनका नाम क्या है? ईमान अदील। ईमान, तो इस मरतबा माशाल्लाह उनमें भी बहुत ज़्यादा वो पाया गया। पिछले साल ये था कि बहुत छोटी थी, तो ये था कि जानवर से बहुत मोहब्बत थी, सिर्फ ये नहीं पता था कि कुर्बानी हुई है। बस दो दिन तक उसने पूछा था कि कहाँ चला गया मामा, कहाँ चला गया। लेकिन इस मरतबा बाकायदा वो बहुत ज़्यादा सैड अब तक है, और पता नहीं कहाँ खोई हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जब कुर्बानी हो गई, अदील में भी यही बात है और ईमान में भी यही बात है। माशाल्लाह लाएंगे अदील पहले से कुर्बानी के लिए, बहुत मोहब्बत से उसकी वो करते हैं, केयर करते हैं, खिलाना पिलाना सब कुछ। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त होता है ना, तो वो भी नहीं देख सकते। हाँ, मतलब ये तो है, नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ, अब बहुत ज़्यादा अपने दिल को बहुत मजबूत करें, अब आपकी बेटी भी है माशाल्लाह, आपको भी उसको भी ज़ाहिर समझाना है। लेकिन वो दो मिनट के लिए वो उस वक्त कहाँ चले जाते हैं ये समझ नहीं आता। अच्छा, मैं तो समझती थी कि मर्द हिम्मत वाले होते हैं। हिम्मत वाले हैं, लेकिन बस फिर वो अच्छा जनाब, अच्छा हमारी बातचीत चल रही है इसी हवाले से, और ईद में यकीनन बहुत मज़े भी आ रहे होते हैं, और हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो पसंद भी करते हैं, और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आपा से पूछते हैं कि आपा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी शख्सियत कि जिसके बारे में आप कभी भी आपके जहन में आए कि हाँ मेरी लाइफ में इसका बड़ा मकाम रहा है, तो किसका जहन में आता है सबसे पहले? देखिए हुरिया, वालदैन खुदा का अनमोल तोहफा है। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। माशाल्लाह, मेरी माँ अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। लेकिन मैं QTV के हवाले से बताना चाहती हूँ कि वो खुद तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन उन्होंने हम बहन भाइयों की ऐसी तरबियत की कि हमने आला मकाम भी हासिल किया और आला डिग्रियां भी हासिल की, और हम तीनों बहन भाइयों ने अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी तरबियत की। तो मेरी शख्सियत पर मेरी वालदा की बातों का, उनके अमाल, किरदार, अफकार, रहन सहन, उठना बैठना, हमें नसीहत करना, हमें अच्छी बातें सिखाना, माँ तो एक रोल मॉडल होती है ना, बिल्कुल सब के जैसे माँ करेगी वैसे ही बच्चा करेगा। तो उन्होंने हमेशा हमें नसीहत की कि कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी कठिन हालात हों, तुम भी अपने बच्चों को तालीम के जेवर से ज़रूर आरास्ता करना। तो मेरी माँ की ये नसीहतें मेरी आइंदा ज़िंदगी में भी बहुत काम आई, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। यकीनन हर इंसान के लिए उसके वालदैन, और ख़ास तौर पर मैं सिर्फ माँ को तो नहीं कहूँगी कि जाहिर है वालदैन दोनों मिलकर ही एक बच्चे की शख्सियत को पुरवकार बनाते हैं, और जैसे आपा कह रही हैं कि यकीनन उनकी वालदा ने बड़ी मेहनत की है, सबकी वालदैन इसी तरह मेहनत किया करते हैं, और वालदैन
आपके जहन में हमेशा रहते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि वो ज़िंदगी में अभी हमारी मौजूद हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ से चले गए हों। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप, जिनकी आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है। तो मैं पूछती हूँ नौरीन से कि नौरीन, कोई ऐसी शख्सियत याद है जहन में आती है कि जिसके बारे में आप सोचती हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है, या उसके बारे में बहुत, कहते हैं ना दिल से बहुत दुआएँ निकलती हैं? बिल्कुल, ऐसे तो दो तीन लोग हैं ज़िंदगी में कि जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन वही बात है ना कि जो एक मेन रोल जो जिसने अदा किया वो मेरी वालिदा हैं। बेशक अम्मी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कॉपी करना चाहती हूँ और मैं वो कर नहीं पाती। और हम, मेरे ख्याल से हम तीनों के सपोर्ट में माँ का रोल बहुत अहम रहा है। वो इसलिए कि हम बहुत, हमने बहुत छोटे पन से अपनी नातवानी का आगाज़ किया। तो जाहिर है जब नातवानी के लिए हम जाते थे तो घर में पीछे बहुत एक लॉन्ग टाइम होता था कि जिसमें हम दोनों नहीं हुआ नहीं करते होते थे ना, अम्मी भी नहीं होती थी। बिल्कुल, तो उसके पीछे जो घर को देखना और सब कुछ वो करना और सारे काम जो हमारे साथ करके फिर निकलना हमारे साथ, वो बहुत उस वक्त तो बहुत वैसा लगता था क्योंकि हम छोटे थे तो हमें समझ नहीं आता था। अब जब हम खुद माँ बने हैं तो वो हर हर बात मुझे बहुत याद आती है अम्मी की, कि वाकई मैंने यूँ क्या करती थी तो आज मुझे भी ऐसे ही करना है, या मुझे भी ऐसे सारे काम पेंडिंग पे रखने हैं कि मैं जब जाऊंगी तो पीछे ये काम हुआ हुआ हो आधा, तो मैं आऊं तो उसको कंप्लीट कर लूं। हाँ, सही। तो शादी के बाद सबसे पहले मैंने अम्मी की जो बात मिस की वो ये था कि मैं अगर किसी महफिल से आई हूँ, मैं अपना मिलाद करके आई हूँ, तो मुझे रोटी पकी पकाई मिली घर में और मैं आराम से खाना खा लिया करती थी। अब जब मैं ससुराल में आई तो ज़ाहिर है कभी देर सवेर भी हो जाती है कभी नातवानी से, तो मेरी सास अगर सो रही होती थी तो फिर मुझे खाना गरम कर, अब जब मैं खाना गरम करती तो मेरे आंसू टप 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 टपक रहे थे। मैं अम्मी को बहुत मिस करती थी। फिर अगले वो आके करके देती थी। फिर मैं अगले दिन अम्मी को कॉल करती थी, अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और अम्मी ने इतनी छोटी सी एज में शादी भी तो कर दी थी, तो टप टप आंसू तो बहने थे। अच्छा जी, हम जरमीना की तरफ आते हैं। जरमीना से भी पूछते हैं कि इनकी लाइफ में कौन ऐसी शख्सियत है कि जो इनको हर वक्त याद भी रहती है, इनके जहन में रहती है, और कभी अगर भूल भी जाएं तो आपसे कोई पूछ रहे, जैसे मैं आज पूछ रही हूँ, तो ऐसा कोई है शख्सियत ऐसी आपकी ज़िंदगी में? अच्छा क्वेश्चन किया आपने हुरिया। और डेफिनेटली इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी शख्सियत होती हैं, जैसे नौरीन ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका, और पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत अहम रोल हमारी ज़िंदगी में अदा करते हैं क्योंकि वो हमें दुनियावी तालीम से, दीनी तालीम से ऑब्वियसली आरास्ता करते हैं। तो मेरे वालिद साहब मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो मैं बात करूँ मेन रोल की, जिनकी दुआ से आज मैं यहाँ इस मुकाम पर हूँ, तो वो डेफिनेटली वो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं सैयद महमूदुल हसन शाह खाकी, कि डेफिनेटली उन्होंने मुझे दीनी तालीम की असल रूह को मेरे अंदर बेदार किया, मैं समझती हूँ। सही, सही। उन्होंने जिस तरह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को सही तौर से फॉलो करना, एक दुरुस्त समत में लेकर चलना अपने आप को, और ये सिखाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, ये हमारी आमाले सालेहा से बनी इमारत को रोशनी मुहैया करती है। तो क्योंकि हम देखें यही हमारी असल है, और बेशक वो शेर भी है कि करम की बरसात होती रहेगी जब तक उनकी बात होती रहेगी, और बना लो दिल में उनका घर महमूद फिर हम वक्त मुलाकात होती रहेगी। तो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं ऑब्वियसली, जो मुझे याद रहते हैं हर दम, मेरी दुआ में होते हैं। और आप उनकी दुआ में होती हैं? बिल्कुल, जो तवज्जो रखता है उस पर तवज्जो बेसिकली होती है, डेफिनेटली होती है। तो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं जो मुझे हर दम याद रहते हैं। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि जिनके लिए बार बार शुक्रिया भी निकलता है, और आप ये भी सोचते हैं कि अगर वो कभी दोबारा ज़िंदगी में मिलते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में अब मसरूफ़ हो चुके हैं, सबके पास अपनी अपनी बहुत सारी मसरूफियात, बच्चे, घर, सब चीज़ें हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, तो जब ख्याल आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन एक शख्सियत जो मेरे जहन में बार बार आती है, और वो ये वो हैं कि जिनके बारे में मैं ये बताती चलूँ कि बग़ैर, अगर वो हो नहीं होते तो यकीनन जब तक बुलावा नहीं होता तो इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन पहली दफ़ा जब मैं मदीना शरीफ गई और अकेले नहीं, मेरे वालदैन के साथ मुझे उन्होंने भेजा, तो मेरी ज़िंदगी में सारे बरनी भाई जो हैं उनका बड़ा रोल रहा इस हवाले से कि उन्होंने जब ये सुना कि मैं अभी तक नहीं गई, तो क्यों नहीं गई, अच्छा तैयारी करो। अच्छा, मैं तो मसरूफ़ मिलाद में होती थी, फिर फ़ोन आता था कि जाना नहीं है क्या। तो ऐसी शख्सियात
यकीनन हमारी ज़िंदगियों में उनका बड़ा रोल है और मैं उनके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं, क्योंकि आप अगर ये सोचें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में जाना एक नातखा के लिए कितनी बड़ी ख्वाहिश होती है, और वो ख्वाहिश आपकी कोई पूरी कर दे तो वो नाम फिर जहन में हमेशा रहता है। और भी लोगों ने ऐलानात किए और पहुंचाया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने मुझे पहुंचाया और उनके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। अभी हम ईद के हवाले से भी बात करेंगे साथ साथ, और ये बातचीत भी चलती रहेगी। तो अंबर से पूछते हैं कि अंबर, बचपन में कोई ऐसा वाकया याद है कि जिसमें दाय आई हो और अंबर टकरा गई हो, या अंबर गिर गई हो डर के मारे, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, टकराती तो जब ना जब मैं उधर जाती। अच्छा, आप जाती नहीं थी। मेरा शायद माँ, असल डर मेरा माँ बनने के बाद निकला कि बच्चा अगर जा रहा है तो मैं तो नहीं, वरना मैं कभी नहीं, करीब भी नहीं गई। अच्छा, बहुत डर लगता था। क्यों डरती थी? पता नहीं, मार डरती थी उसके उसके मतलब उसके काटने से ऐसा लगता था कि वो काट लेगा, मार देगा, ये लगता था मुझे कि आ जाएगा, काट लेगा। मैं शुरू से बड़ी डरपोक थी, टक्कर मामले में बड़ी डरपोक। इसलिए खैर मैं खुद इतनी हेल्दी थी, अगर बेचारा टकराता तो शायद उसे नुकसान पहुंचता। इसने मेरी बात ही सुनी ना, मैंने कहा गाय से बड़ी ये है, हालांकि फिर भी डरती हूं इसलिए। अच्छा, नौरीन कुछ कह रही है, जरा पूछते हैं नौरीन क्या कह रही है। मैंने कहा इसने मेरी बात दूसरी दफा भी नहीं सुनी। हाँ, क्या ये मुक्का आ जाता है। मैंने कहा हालांकि गाय से बड़ी ये है, लेकिन डरती है उस गाय से। यही तो कह रही मैं खुद ही, मतलब अब तो फिर शायद कम हो गई, उस वक्त तो इतनी थी कि शायद गाय बेचारी को कुछ मर जाती है, मुझे कुछ नहीं होता। नहीं यार, हम भरा इतना भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था, लेकिन बहरहाल अजराए मजाक ये बात चल रही है। अच्छा नौरीन, ठीक है वो तो थी, तुम जाती थी? हाँ मैं चली जाती, मैं कान से पकड़ के ना, हाँ, बकरे मतलब, को। अब देखो जानवर यहाँ इससे डरते थे। जानवर नौरीन से डरते थे, जनाब, क्योंकि नौरीन खींच के ले आता। हाँ, मुझे वैसे शौक भी है, मैं अगर मेरे पास हो छोटा मोटा कोई बकरा या मैं बहुत उसको अच्छे से, अभी भी मेरे पास एक, मैंने पैरट, मैं तुम्हें बताया कि मेरे पास है वो ग्रे पैरट, मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, मुझे पैरट्स का बहुत ज्यादा शौक है। तो मैं आराम से चली जाती थी, उसको कान से पकड़ के इधर ले आई, उसको मार दिया इनके पास। हाँ हाँ, बता, लाडो है ना तुम्हारी? लाडो है वो, कोको नाम है। अच्छा जी, सुमैरा बड़ा मुस्कुरा के देख रही है, सुमैरा से भी पूछते हैं, बचपन का कोई वाकया ऐसा याद है कि जिसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो बकरीद के दरमियान? नहीं, वही अंबर वाली बात कि मुझे भी बहुत डर लगता है बचपन से ही, मैं नज़दीक ही नहीं जाती। अच्छा। यहाँ तक कि अगर हम कभी बाज़ार वगैरह जाते थे ईद से पहले दिनों, तो गायें कोई खड़ी होती थी या कुछ भी कोई जानवर खड़ा होता था, मैं उस गली से ही नहीं गुजरती थी, रास्ता बदल लिया करती थी, मुझे इतना डर लगता था। अच्छा, मुझे डर तो लगता था, लेकिन मैं ना दिखाने के लिए ना कि नहीं मैं तो नहीं डरती, नहीं नहीं तो मैं जरूर जाती थी। मुझे तो बहुत डर लगता है और अभी भी वैसे ही डर लगता है। और अभी भी जानवर आता है तो हमारे घर के नीचे एक पार्क है, वहाँ पे सब मेरी नंदे या मेरे हस्बैंड कहते हैं आओ रस्सी पकड़ो आओ चल, मैं कहती नहीं ये मेरा काम नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो टांग ना मार दे, कुछ ना हो जाए अचानक से, ये तो डर लगता है, या भाग ना जाए, हमें फिर से भागना पड़े, तो बस मुझे डर लगता है, मैं दूर ही रहती हूं। तो आप थोड़ा सा उसको प्यार से रखेंगे, इसलिए एक महीना पहले लेकर आए, जब वो आपसे आपको हो जाएगी, उसको आपसे हो जाएगी, जितने भी दिन पहले रख लें, लेकिन मुझे वैसे इनका डर वैसे ही रहेगा। लेकिन एक बात है कि जानवर बहुत ज्यादा जो है वो सेंस रखते हैं अपने प्यारों का, जिस तरह हम उनको मोहब्बत देते हैं वो भी हमें रिटर्न में मोहब्बत देते हैं। पता नहीं होता ना कब हाइपर हो जाए जानवर भी, कब भागने लग जाए फौरन, कब उन्हें गुस्सा आ जाए, लेकिन प्यार की जबान हर कोई जानता है। मैंने जब मैंने भी जिक्र किया कि मेरे पास सब हो जाता, अब तो हाथ भी फेर लेते, क्योंकि हम इससे भी तो सुनाई में आते रहते हैं ना, आज उसका जानवर भाग गया, वो गाड़ी से उतार रहे थे तो वो, ये सब चीजें तो लग गया, इसीलिए तो पूछ रही, कोई इंसिडेंट याद है सहर तुम्हें? याद है कुछ? मुझे याद है, मैं भी बहुत डरपोक हूँ, लेकिन मोहब्बत होती है दूर वाली होती है, खिलाना पिलाना है रख दिया पीछे, ऐसे पापा के दौर से ही मतलब आता था, पापा कहते थे प्यार करो उसको हाथ लगाओ, वो एंड तक बेचारे यही कहते रहते थे, लेकिन सुबह में कुर्बानी से पहले हाथ जरूर फिरवाते थे, और यही अभी भी अदील की भी यही आदत है कि आओ पहले उसको खिलाओ। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि हाथ फिरवाना और उनका ख्याल रखवाना, तो आपा उसकी खिदमत करना कैसा है, आप बताएंगे जरा? जब आपने खराज तहसीन की बात की और कहा कि कौन से अफराद ऐसे हैं जिन्होंने आपकी शख्सियत पर आपकी ज़िंदगी में गहरे तासर छोड़े, तो मैं क्यू टीवी के फोरम से अंबर की खाला, नौरीन की मदर
और हुरिया के मामू को खराज तहसीन पेश करूं। देखिए बच्चियां इतनी छोटी छोटी सी थी मेरे सामने, अंबर की खाला साथ चली आ रही हैं, नौरीन की मदद साथ चली आ रही हैं, और हुरिया के मामू अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए साथ होते थे। तो हमारी जिंदगी में शख्सियात जो हैं वो बहुत अहम रोल अदा करती हैं, जिनकी बिना पर हमें ये मुकाम मिला। देखिए जब हमें कोई मुकाम मिल जाए तो हमें किसी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ ना कर सकें तो उनके लिए हाथ उठाकर उनके लिए दुआ जरूर करें। अभी मैं अंबर की तरफ जरूर आऊंगी। अंबर यही बात करी कि अम्मी जान, जैसे इनकी खाला इनका अम्मी जान कहती हैं और हम सब भी उनको अम्मी जान कहते हैं, तो उनके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम में एक वक्फे का ब्रेक का टाइम है, तो कहते हैं सहर से कि सहर ब्रेक ले लीजिए जरा। जी जनाब, आप देख रहे हैं शान ईद बड़ी ईद का प्रोग्राम, और थोड़ी सी देर के बाद फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। शान ईद में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं हम ईद की खुशियों में आप सबके साथ शामिल हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी यादें शेयर की जा रही हैं। तो अभी हमारे साथ अंबर से बात हो रही थी अम्मी जान के हवाले से, जो कि अम्मी जान हम कहते हैं लेकिन अंबर की खाला हैं, जिन्होंने अंबर को हर जगह साथ 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 होती थी। बड़ा मज़ा आता था उनके साथ, बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। जी अंबर क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी अम्मी जान से पहले मैं खालू की बात करूँगी। खालू शेख महमूद हुसैन जो मेरे खालू हैं, सबसे पहले खालू यानी बचपन में तो जाहिर है अब्बू अम्मी लेके जाते थे, लेकिन उसके बाद खालू मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खालू ने सपोर्ट किया हर जगह लेके जाना। उसके बाद फिर मिलाद शुरू हुए, फिर अम्मी जान, इन दो शख्सियात का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है तर्जें बनाने में भी वो बहुत साथ देती हैं हमारा। हाँ दोनों, अम्मी जान और अम्मी दोनों, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो यानी अपनी शादी से पहले वो दोनों तर्जें ही बनाती थी। अच्छा। ज़्यादातर मैं जो बचपन में मैंने नाते सुनी, एक दो नाते ऐसी थी जो कि मुझे पता नहीं था, उनकी जो मशहूर तर्जें ये हैं मुझे वो तर्जें पता थी जो अम्मी लोग पढ़ती थी। और माशाल्लाह दोनों तर्जें बनाना, और यही चीज़ शायद मुझ में ज़ाहिर नहीं आई है कि वही चीज़ आई। और अम्मी जान ने जिस तरह मतलब उनका जो रोल रहा है बहुत अच्छा, बिल्कुल जिस तरह नौरीन जिक्र कर रही है कि मिलाद से आना और फिर वो रोटी तैयार रहना और ये सब। और वो अम्मी जान तो इनकी थी ना, लेकिन वो हमारी भी अम्मी मुझे जान बहुत अच्छी तरह याद है। एक दफ़ा क्या हुआ आपा, हमें अंबर के घर जाकर और उसके बाद वहाँ से मिलाद में जाना था, हुआ कुछ कि अम्मी जान ने हमारे लिए जो है वो काढ़ के रखा हुआ था दूध के, अब जब वो लोग आएंगी ना तो उसमें चाय बनाऊंगी। जब पहुंचे तो पता चला दूध कहाँ गया, अब वो गुस्सा कर रही है दूध कहाँ है, मैंने अभी गर्म करके रखा था, उसको काट के रखा था, पता चला जी जिशान भाई पी गए। जिशान भाई वो डांटा उन्होंने कि मैंने इतनी मेहनत करके रखा था। वो अम्मी जान स्पेशल वो चाय बनाती थी ना, वो इलायची डाल के और चॉकलेट डाल के, वो बड़ी मजे की चाय होती थी, वो स्पेशली तैयार करके रखी हुई थी, क्योंकि वो बन नहीं सकी थी। तो हम आते हैं आपा की तरफ, और आपा से जो मैंने सवाल किया था कि जैसे हम जानवरों की खिदमत कर रहे होते हैं, उनका ख्याल रख रहे होते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? जानवरों की खिदमत करने में और उनका ख्याल रखना भी इबादत है, और अल्लाह ताला इसे पर बहुत बड़ा अजर व सवाब अता फरमाता है। आकई दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जानवर तुम्हारे साथ है और जब तुम धूप में से गुजरो तो तेज़ तेज़ गुजरो, आहिस्ता मत गुजरो। और आकई दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जानवर पर लदा हुआ सामान देखते और किसी बेवा की गोद में यतीम को देखते तो आप दीदा हो जाते। तो हम जो कुर्बानी का जानवर लाएं उसके खाने पीने का ख्याल रखें,
उसको पानी पिलाएं और उसको साए में बांधे। बाद घरों में देखा कि उस पर लकड़ियाँ मारी जा रही हैं, उसको मारा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। अपने बच्चों को भी ये इस काम को करने के लिए मना करें कि अल्लाह ताला नाराज होता है। जानवरों को भी ख्याल रखो, अल्लाह ताला जानवरों का ख्याल रखने पर भी बहुत बड़ा अजर व सवाब अता फरमाता है, और जानवरों की खिदमत करना भी इबादत है। जाहिर है, जो जो जानवर आप अल्लाह ताला की राह में देने वाले हैं उसका अगर आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं, तो फिर आपको उसकी यकीनन पूछ होगी। क्या कहेंगी इस बारे में जमीन? बिल्कुल हुरिया, देखें जानवरों की तकरीम करनी चाहिए, जो स्पेशली वैसे भी जानवर हैं या जो कुर्बानी के जानवर हैं, और अपने इसकी असल रूह को जैसे मैंने पहले का अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमने सेक्रीफाइस करना भी बच्चों को सिखाना है छोटी छोटी चीज़ों से, और साथ ही साथ ये कि जब वो जानवर लेके, क्योंकि सॉरी टू से बट आजकल रियाकारी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आ गया है, कि कंपैरिजन करना, मुकाबला करना कि अच्छा हमारा जानवर फला बड़ा नहीं, आ जाएगा, हाँ, बच्चों के जहन में भी बात आ जी हाँ। बच्चों के माइंड में भी ये माइंडसेट उनका बन जाता है, तो उनको सिखाना चाहिए कि हमने हलाल पैसों से जानवर खरीदा है, इसकी कुर्बानी करनी है, इसका असल मकसद ये है, आपने इसकी खिदमत करनी है, उसको टहलाना है, लेकिन उसको जिस तरह सजा के और जानवरों को तकलीफ दी जाती है, शोरगुल होता है, इससे फिर इवन दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और जानवर भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज़ बच्चों को सिखाना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि मेरी डॉटर फरा, शी इज़ जस्ट 7 years old, लेकिन शी कम्स टू मी एंड यूज टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम, अबाउट आर दीन, कि हमें मुझे शबे मेराज के हवाले से बताएं। अभी मतलब वो बहुत छोटी है, बट शी यूज टू आस्क क्वेश्चंस कि अच्छा शबे मेराज पे गए थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सवारी क्या थी, इवन दीज क्वेश्चंस। तो बच्चों के जहन पे जो चीज़ आप बच्चों के जहन में सवाल भी बहुत एग्जैक्टली और वो नक्श हो जाते हैं, हाँ। बिल्कुल, और उनकी तरबियत करना और इस नहज पर उनको सिखाना कि हमने किस तरह से रिस्पेक्ट देना, लेवल पे जाकर और फिर समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चों के या तो समझ में बहुत ज्यादा आ जाती हैं या कम आती हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि उनके लेवल पे पहुँच कर फिर आप बात करें। क्या कहेंगी सुमेरा, हम जैसे अभी बात कर रहे थे जानवरों के ख्याल रखने की, लेकिन आप तो कह रही हैं कि आप बहुत दूर रहती हैं, आप दूर तो रहती हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि जैसे शख्सियात की हमने बात की और जरमीना ने भी बताया, आपा ने भी बताया, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई शख्सियत जो आपको हमेशा याद रहती हो, आप मतलब हो सकता है कि वो अभी ज़िंदगी में मौजूद हैं आपकी और आपको बार बार ख्याल आता हो, तो फिर आप उनके लिए बहुत दुआ करती हो? दुआ तो जो हमारे साथ मौजूद होते हैं उनके लिए भी की जाती है, और जो नहीं होते उनके लिए भी की जाती है। मोहब्बत की बात होती है सारी, और शख्सियत के हवाले से तो बहुत सारी शख्सियात हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स ही हैं माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने ही हमें, आज हम यहाँ बैठे हैं तो ज़ाहिर है उन्हीं की वजह से बैठे हैं, उनकी कोशिशों से और उनकी तरबियत। उन्होंने हमें सबसे मिलना जुलना सिखाया, अपने इखलाक को अच्छा रखना सिखाया कि हम इखलाक को किस तरह रखना चाहिए और किस तरह मोहब्बतें बांटनी चाहिए, किस तरह खुशियों में शरीक होना चाहिए, किस तरह दुख में शरीक होना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि पेरेंट्स का ही हाथ होता है सबसे ज़्यादा, और मेरे पापा की जो शख्सियत है वो मेरी नज़र में बहुत अहम है, क्योंकि पापा का दिल बहुत बड़ा था माशाल्लाह हर मामले में, अपने अपनों के लिए भी और गैरों के लिए भी। और अगर नात खानी की फील्ड से बात की जाए तो ज़ाहिर है कि आप हैं अच्छा, हमारी नज़र में, और आपसे बहुत कुछ सीखा भी है माशाल्लाह, और आपने हमेशा मोहब्बत से ही हमारा साथ दिया है हर मामले में। अल्लाह ताला कबूल करे, जाहिर है हम तो मेहनत एक दूसरों के साथ हम इसलिए कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, जो आ रहा है वो मोहब्बत के साथ आए और कामयाब हो जाए, क्योंकि ये तो हुजूर की सनाखानी है, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते, असल चीज़ मोहब्बत ही होती है। और अब अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो इस तरह लगता है कि जैसे बहुत अरसा से रह रही हूँ माशाल्लाह, इतना अच्छा तरह जान गई हूँ अपने हस्बैंड को, और उनका भी मेरे पापा की तरह दिल बहुत बड़ा है हर मामले में अल्लाह ताला ने से हर चीज़ हर दूसरों के लिए अच्छा सोचना पूरा। तो अगर मेरे जहन में भी कोई गलत बात आ गई गलती से भी, फौरन उसको कहते हैं सुमैरा ये बात नहीं करनी है, ऐसे से ऐसा बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो भी माशाल्लाह। ये देखें ये सारी चीज़ें ये होती हैं कि वालदैन की दुआएं, आपके बड़ों की दुआएं, आपसे जो लोग खुश होते हैं उनकी दुआएं आपके साथ अगर हो जाएं तो यकीनन इस तरह के मामलात आपकी ज़िंदगी में होते हैं। नौरीन ने भी बताया, अंबर ने भी बताया, तो वालदा का भी हमारा भी यही हाल है कि हम कितने भी थके हुए जाते थे और सुबह अभी भी करती हैं, सुबह में होता था, अभी भी माशाल्लाह देखे ना हमारे बच्चों को संभालती हैं, हम यहाँ आते हैं तो हमारे बच्चे उनके पास जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, हमसे ज्यादा तो वो संभाल रही होती हैं। और जब अनमैरिड थे तो वही वाली बात कि हम कितने भी थके हुए यहाँ से जाते थे, जल्दी जल्दी बस अपनी चेंजिंग करनी होती थी कि ड्रेस चेंज कर लो, कुछ फौरन कहती थी नाश्ता लाऊं खाने लाऊं, फौरन लाके रख भी देती थी कि पता है मुझे कि इन्हें भूख लगी होगी। सही सही, ईद में ईद के हवाले से अगर हम बात करें तो अंबर
जैसे हम बहुत सारी जगहों पर सवाल किया जाता है, अब तक ईद के जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उनमें हमने ये पूछा आपको क्या क्या बनाना आता है, आपने ईद में पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, आज क्या खाना बनाया था और सास को कौन सा खाना अच्छा लगता है, ये सब नहीं पूछूंगी आज मैं। आज मैं ये पूछ रही हूँ कि जनाब कोई ऐसा खाना जो किसी ने तुम्हें खिलाया और तुम्हें याद हो कि यार बड़ा मज़ा आया था उस वक्त, बहुत भूख भी लगी हुई थी और उन्होंने इस बात का ख्याल रखा और मैंने ये खाना खाया और मुझे हमेशा याद रहेगा, क्या है वो ऐसा कोई खाना है? मुझे माशाल्लाह सब जगहों के खाने भी खाए, सब लोगों के खाने भी खाए, लेकिन एक जो बहुत याद रह गया मुझे वो मैंने हॉट एंड सॉर सूप पिया था जब हम इंडिया, हमारा जो टूर था इंडिया का, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में हाजी सेठ की फैमिली हमें लेके गई थी, अशरफ अंकल लेके गए थे, वहाँ जो हॉट एंड सॉर सूप पिया मैंने, मैंने हर जगह का पी लिया, मैंने पूरे कराची का, लाहौर का, हर जगह का पी लिया, लेकिन वो टेस्ट मुझे दोबारा नहीं मिला। मतलब मैं हैरान थी कि मैंने हमारे बड़े बड़े दो बाउल पे फरमाइश पे ले जाया गया था क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, मज़ा ही नहीं आ रहा था खाने में, तो हमने कहा हम चाइनीज ही खिला दें शायद कुछ अच्छा लग जाए, लेकिन वो टेस्ट मैं नहीं भूल सकती, वो हाँ, मिला वो ही नहीं मुझे, मैंने हर जगह का बड़े से बड़े छोटे से छोटे हर जगह के रेस्टोरेंट का। यही सवाल हम नौरीन से करते हैं कि नौरीन ने कहीं ऐसा कोई खाना जो हमेशा के ये जहन में रह गया हो, याद आता हो कि यार बड़ा मज़े का था? अभी मेरे ख्याल से चंद एक साल हुआ होगा। वैसे तो खाने ज़ाहिर बहुत खाते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन होता है ना कि बस स्पून आपने लिया और आपको फ़ौरन लगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं और तुम्हें हमारे साथ में थी, फैसलाबाद हम लोग गए थे नाथख्वानी में, मैंने वहाँ पर खाया था अलास्का, वो तो हाँ वो इतना कोई लजीज और बहुत इतना मुनफरिद सा था, और हमने वहाँ पर थोड़ा, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि हमें अब एयरपोर्ट पहुँचना था, तो मैंने वो थोड़ा सा लिया और फिर इन्होंने मुझे खींचते हुए, लेकिन चलो 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 बस हमें लेट हो रहा है, एक तो मेरे ऊपर सारा, और मैं पूरे प्लेन में इसको बकती भी आई थी कि तुमने मुझे खाने नहीं दिया, खाने नहीं दिया। फिर मैं कराची आई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे ये अलास्का खाना है कहीं से, तो फिर उन्होंने रेस्टोरेंट घुमाया इधर उधर, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिला हमें जो हमें पता चल गया होगा और वो इस बात का अगली दफा जरूर ख्याल रखेंगे। हाँ जी दरमीना, कोई खाना ऐसा? बिल्कुल, मुझे भी अचानक से भी याद आया कि वाकई एक खाना जो हमेशा मुझे याद रहता है वो यखनी पुलाव, जो मेरी आंटी खालदा ने और अस्मा दोनों बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं इन फैमिली, उन्होंने यखनी पुलाव बनाया था एक बार, उसका टेस्ट आज तक दोबारा नसीब नहीं हुआ जिसे कहते क्यों ऐसा कहे, खाला से बोलो दोबारा बनाए। खाला से बोल देंगे भाई, अभी वी आर लिविंग इन हियर कराची, तो जाएंगे पंजाब में है वो, डेफिनेटली बोलेंगे और आपको भी इनवाइट करेंगे, वो जल्दी जल्दी भी पका पाएंगे ना भाई। ये तो फैसलाबाद की बात करिए, वो इंडिया की बात करिए, मैं पंजाब की बात कर रही हूं यार, हम सबको भी बुलाओ, चलिए आपकी बात कर लेते हैं ना हुरिया। वैसे ऑनेस्टली बात करें तो ऑफ द एयर जब हम बात कर रहे होते हैं हुरिया से, जिस मसले के हवाले से बात की जाए, कोई प्रॉब्लम है या इवन हमारा स्टॉल सही सेट है, हम ठीक लग रहे हैं, या इवन कोई भी गाइडलाइन है, तो वो बहुत बेहतर अंदाज में देती हैं। और खाना कैसा बनाती है ये तो उनके घर जाके खाने से पता चलेगा इंशाल्लाह। फिर मैं नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला उसकी कुकिंग का उसके लिए दावत देना मेरी तरफ से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप खुद भी आ जाएंगी तो इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको खाना, खाना नसीब हो जाएगा। अच्छा जी, आपको कुछ याद हो ऐसा कोई खाना? वैसे तो बहुत सारी हर जगह हम लोग माशाल्लाह बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती है, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा खाना? अच्छा हुरिया देखिए, अपनी अपनी फील्ड होती है, मुझे कुकिंग का थोड़ा सा कम शौक है, लेकिन जब से उजाला बड़ी हुई उसने शादी के बाद आके मेरे घर स्टू बनाया। अच्छा, यकीन करें इतना लजीज बनाया और मैंने उसकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है। कुछ दिनों बाद मैंने कहा कि तुम दोबारा बनाओ ताकि मैं सबको घर बुला कर खिलाऊँ, तुम्हारी और हौसला पता चले कि जी उजाला इतना अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल, उसने अच्छा बनाया। बेटियाँ तो बेटियाँ होती हैं और उनकी बनी, उनके हाथ की बनी हुई चीज़, लेकिन उसने बहुत दिल लगा कर बनाया था। देखिए हुरिया, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और दिल लगा कर, दिल जमाई के साथ, अगर हम एक अंडा आमलेट भी बनाएं प्याज काट के करीने से और टमाटर काट के, तो वो भी लजीज लगता है। सही बात है। अच्छा जी, बहुत अच्छा बनाया और दोबारा उससे फरमाइश सबने की कि भैया आओ तो तुम दोबारा भी बना कर खिलाओ। अब तो बकरीद है, इसमें तो और अच्छा बनाएगी इंशाल्लाह। अभी सहार से पूछते हैं। जी सहार, कोई खाना ऐसा जो याद रहा हो? ऐसा खाना जो याद रहा हो, आप भी साथ में थी आउट ऑफ सिटी थारूशा, याद होगा आपको। हाँ। वहाँ के खाने तो ये है कि कोविड की वजह से घर के अंदर बने हुए हैं। हाँ। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं और उन लोगों की माशाल्लाह मेहमान नवाजी, और वो वाकई में उनमें माँ वाला
पाया जाता है कि खाओ खाओ ये भी खाओ, लेकिन हम लोग मिलाद की वजह से ज्यादा नहीं। मुझे सबसे ज्यादा उनके वो जो याद रहती है, वो जो बीह उन्होंने बनाई थी याद है, कितना डिफरेंट अंदाज से बनाई थी केचप के साथ, और माशाल्लाह उनकी बहुएं जो हैं उनके हाथ में भी वही जायका है, और फिर महफिल से आने के बाद भी उन्होंने वैसे ही खाना आप लोगों ने सही नहीं खाया था। खैर बहुत अक्सर जगहों पे ऐसा होता है, लोग समझते हैं हम सिर्फ खाना खाने आए हैं और वो लगे होते हैं कि नहीं नाच पड़ने से पहले सिर्फ खाना खा लें, सिर्फ खाना खाएं, तो वो लगता है कि भाई बस नहीं उरिया बात तो चाय की आते हैं ना, तो चाय की कैंट में मना करना पड़ता है बस इतनी नहीं। हालांकि हम चाय की बहुत शौकीन है ये दोनों, हम चाय के बहुत शौकीन है, और अभी चाय का ब्रेक लेते हैं, और चाय का ब्रेक लेने वाली है हमारी अंबर। हमारी मजेदार बातों और आपके दरमियान बीच में हायल है एक वक्फा, तो इंशाल्लाह ताला वक्फे के बाद मिलते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको, प्रोग्राम आप देख रहे हैं शाने ईद कुर्बान, ईद कुर्बान चल रही है तो शाने ईद कुर्बान कर देते हैं इसको, कि बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, सब कोई ना कोई अपनी बातें अपने इंसिडेंट्स शेयर कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं नौरीन से, कि नौरीन कोई ऐसा वाक्य हुआ है बकरीद का जो याद रहे कि हाँ जी ये तकलीफ उठाई थी, ऐसा हो गया था परेशानी हुई थी बड़ी। क्योंकि मैंने पिछले भी शायद मैं हर दफ़ा प्रोग्राम में बताती हूँ कि मैं शादी से पहले बिल्कुल काम धाम वाली बच्ची नहीं थी, बहुत निकम्मी तरीन थी मुझे याद शादी के बाद मेरी पहली ईद थी और वो भी बकरीद थी, और मेरे सास ससुर गए हुए थे हज पे, और वो ईद ऐसी जो मुझे अभी तक ऐसी याद रहती है ना ज़बरदस्त तरीके से। तो उसमें हुआ कुछ यूँ था कि मुझे टिक्के और ये सब चीज़ें बनानी थी, तो मैंने सब में मसाला लगा लगा के मैरिनेट कर दिया, लेकिन मैंने उसके अंदर ना कचरी पाउडर नहीं मिलाया टिक्कों के अंदर। अब जब वो एट अ टाइम जब मेरे हस्बैंड आए मुझसे पूछने लगे कि सब रेडी है सब कुछ कर लिया, मैंने सब चीज़ें तो कर ली थी, लेकिन जब मैंने उसमें जो कचरी जो पाउडर नहीं मिलाया था ना उसकी वजह से इतना बुरा हुआ मैंने पूछा ये मिला, मैंने कहा नहीं। अब गैस आने में सिर्फ आधा घंटा था और गोश्त गलाने में बहुत मुश्किल होती, तो मैंने क्या किया वो एक पतीले के अंदर डालकर मैं उसको पकने छोड़ दिया। अब गेस्ट आ गए, सबने कहा सब रेडी है, हाँ रेडी है, बस खाना लगने वाला है लगने वाला है। फिर बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा कौन से खाने कौन से टिक्के हैं जो बन नहीं रहे तो फिर मेरी बड़ी फुप्पो है मेरी फुप्पो सास वो आई किचन में अंदर कि लाओ मैं कुछ करा दूँ, बहुत देर होती जा रही है। मैंने कच्ची कर दे, उन्होंने जैसे ही ढक्कन खोला ना उसका पानी पानी इतना पानी, उन्होंने कहा हाँ इसको ये तो दो घंटे में भी नहीं पकेगा। तो मैंने कहा फड़ी पप्पो क्या करूँ तो उन्होंने कहा ऐसा करो उसको कवर हटा के रखो और फुल आँच कर दो उसको, तेज़ जब पकेगा तो खुश्क पानी खुश्क होता जाएगा। तो वो टिक्के मेरे जहन में ऐसे बसे हुए होते हैं कि मुझे जब भी ईद आती है तो मैं सबसे पहले कचरी पाउडर लगाती हूँ टिक्कों में कि ये कहीं ना हो मेरी जो अच्छा नहीं हमारे यहाँ कच्चा पपीता लगा देगा पहले से लाकर जो है ना उसको हम पीस के रख लेते हैं कि किसी भी चीज़ में डालना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो है ना पहले तो मेरी पहली ईद थी तो मुझे ना कच्चा पपीते का पता था ना कुछ पता था कि कैसे होना है। हम लोग आउट ऑफ सिटी जाते थे, मेरी शादी तो हुई बकरीद के जमाने में थी ना, तो वो पहला वाला साल तो मैंने इतना नहीं किया था काम, सेकंड साल में फिर जाकर सारे काम किए थे वाले, वो तो तीन चार दिन बाद ही बकरीद आ गई थी मेरे ख्याल में। क्या कह रही थी अंबर आप? मैं कह रही हूँ ये तो इसका तो हम आउट ऑफ सिटी भी जाते थे तो इसके तो कपड़े तक हम इस्त्री करते थे। बच्चियाँ इवन के सबा कुछ नहीं करती थी पूरी, और मैं तो काम करते थे सबा तो कुछ भी नहीं, सबा तक इसके काम करती थी, ये हमारी बड़ी लाडो थी क्योंकि छोटी थी हम सबसे तो ये हम लोग को इतना तंग करती है बहुत मौसम है ये लोग मेरे काम करने वाली बच्चियाँ। अच्छा होता तो कुछ यूं ही है कि हाँ सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं कहीं सफ़र पे होते हैं तो यही तो पता चलता है कि आप कैसे हैं एक दूसरे के साथ। अब शाने ईद में कुछ नया करते हैं और सुनते हैं अंबर से नौरीन की कोई सी नात। नौरीन की नात जो आपको पसंद हो और आप पढ़ती भी हो सकता है आप पढ़ती होंगी जहर, क्योंकि हम एक दूसरे के नाते एक दूसरे के सामने तो नहीं पढ़ते क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं ये बुरा मान जाएगी कि मेरी नात पढ़ दी लेकिन अब देखते हैं कि ये कौन सा कलाम अभी हमें सुनाने वाली है। जी अंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौरीन साहिबा से माजरत एडवांस नहीं इजाजत है आपको इजाजत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ورفعنا لك ذكرك 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 تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شیوا میرا مسلک تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذکرک 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 سبحان اللہ اور یہ کلام ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے جہاں پر کورس کروانا ہے وہاں کورس بھی ہو رہا ہوتا تھا اور اگر گلا خراب ہے تو پورا پورا ساتھ پڑھوا رہے بڑا مزہ آتا تھا الحمدللہ بڑا اچھا الحمدللہ ایسے ہی رکھے تو اب امبر کو آپ ناراض تو نہیں کرنے والی میرے خیال میں دیکھتے ہیں کہ امبر کو یہ کون سا کلام امبر کا کون سا کلام یہ پیش کرنے والی ہے جی جناب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس نے مجھ سے اجازت لی میں بھی لے لیتی ہوں میں نے اجازت نہیں لی تھی معذرت کری تھی ایڈوانس معذرت کی تھی گلے کی وجہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کی طرح پڑھ پاؤں اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگہ دے قسمت میری جگہ دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سحر کی طرف آتے ہیں اور سحر اور سمیرا تو ساتھ ساتھ پڑھتی ہیں لیکن کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ سحر سے پوچھتے ہیں کہ کسی کا کوئی ایسا کلام جو انہیں بہت پسند ہو سحر اور سمیرا پہلے سمیرا پڑھیں گی کیونکہ وہ بڑی بہن ہے جی جناب سمیرا کوئی ایسا کلام جو آپ کو بہت پسند ہو کسی اور کا پڑھا ہوا اپنا پڑھا ہوا تو ظاہر ہے پڑھتے ہی رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سمیرا ہمیں آج کون سا کلام سنا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے زربینا صاحبہ جو ہیں ہماری اسکالر یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم ان کی باتیں بھی سنتے ہیں ان سے بہت کچھ ہمیں ان کے شاہکار ان کے انداز بتائیں لیکن ان سے سنتے ہیں کہ یہ نعت کیسے پڑھتی ہیں تو آج کون سا کلام سنانے والی ہیں جناب آپ کے سامنے پڑھنا اٹس ٹو ڈیفیکلٹ فار می اچھا اور آپ سب کے سامنے میرا پڑھنا بہت مشکل ہے
हमारी माशाल्लाह सारी सना खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप सब, और हम महफिलों में यकीनन आपके ही कलाम ऐड इन कर रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम जो मुझे याद है थोड़ा बहुत, वो हमारी बहुत प्यारी होस्ट और सना खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहर आज़म, उनसे मैंने सुना था तो मुझे बहुत पसंद है, उसके दो अशआर ज़रूर ज़रूर आपके सामने पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने नहीं, अब आप सहर आज़म को ही जवाब दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में, और जागा तेरी निस्बत शबे गम का मुकद्दर, और आया है तेरे आने से उजाला मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। ये बड़ा करम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम सब सना खाने रसूल हैं। प्रोग्राम में एक वक्फे का टाइम हो गया है, तो अब हम नौरीन से कहते हैं कि जनाब ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन आप सब देख रहे हैं शाने ईद, और इसमें बहुत मज़े मज़े की बातें भी हो रही हैं, तो फिर इस दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़े से ब्रेक पर जा रहे हैं। शान ईद क़ुरबान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हम सब यहाँ पर बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, और यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हम सब अपनी बहुत सारी यादगारें बहुत सारी बातें कर रहे हैं और आपके साथ ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ मिल जाइए और ईद की इन खुशियों में हमारे साथ शामिल रहिए। हम चलते हैं आपा की तरफ, जैसे हमने नौरीन से पूछा था वैसे ही आपा से पूछते हैं, क्योंकि आपा के बारे में बड़ा मशहूर है, कुछ टॉम बॉय टाइप थी, है ना, ऐसा ही था ना, और कम काम किया करती थी घर में। तो आपा जब शादी के बाद या शादी से पहले कोई ऐसा वक्त आया कि जब खाना वाना बनाया हो तो कुछ इंसिडेंट हुआ हो? जी हुरिया, पकाने के सिलसिले में तो बहुत ज़्यादा ससुराल में भी और घर में भी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। और जब शादी के बाद में रुख्सत होकर इस्लामाबाद गई थी मेरी ससुराल इस्लामाबाद में, तो कभी हम नमक डालना भूल जाते थे, कभी मिर्च डालना भूल जाते थे, कभी अदरक लहसुन डालना भूल जाते थे। अच्छा। एक दफ़ा हमारे शौहर ने कहा कि हमें अंडा बना के खिलाइए, तो हमने नमक के बजाय उसमें सोडा डाल दिया। बेचारे वो इतना बड़ा हो गया, तब तो घबरा के कमरे से निकला कि हमारे कमरे में कोई आ गया। बाद में मैंने कहा कि क्या, तो फिर शौहर आए, कह रहे भाई नमक नहीं, नमक के बजाय आपने सोडा डाल दिया, आप किसी से कुछ खाने पकाने की तरह मतलब तरकीब सीखें पूछें। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर हमने दाल बनाई, आलू की तरकारी बनाई, अंडा बनाना सीखा, मजा आया। आज हम शर्मिंदगी से बच गए हैं बहुत मौके, अब खत्म हो गई शर्मिंदगी, मतलब बनाने लगी। तो खैर वो अंडा फूल जैसा बना था, अब नौरीन कह रही कि वो तो फूल बन गया होगा अंडा, तो नहीं बना। मैंने फौरन सोचा ना कि सोडे से तो फूलता है ना चीज, तो वो अंडा ही फूल गया होगा। तो नौरीन हम डर की जैसे कमरे से बाहर निकल गए कि इतनी दूर भी गए थे कराची छोड़ के इस्लामाबाद में, क्या हो गया, क्या क़यामत आ गई। तो हमने बाद में सास के आगे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन सबने नज़रअंदाज किया। सही कह रही हैं, और आज जरूरत के काबिल जरूर बना ले, ये बात जरूर होनी चाहिए। वैसे ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने नज़रअंदाज किया, उन्होंने कहा चलो कुछ तो सीखेगी छोड़ देगी।
लेकिन बहुत अच्छा लगा आपा, इसी तरह तो मजा आता है जब आप इस तरह की बातें बताती हैं। तो चलिए ठीक है, देखिए उरिया, सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, सीखने के लिए कोई वक्त की कैद नहीं है, इंसान सारी उम्र सीखता है। आप इतना बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बेहतर बना लेते हैं। और अभी भी घर में आप मतलब कुकिंग करती हैं या खान सामा है घर में बनाने के लिए? गुड़िया, मैं घर में सुबह 9 बजे निकलती हूँ तो रात में मैं 8-8:30 बजे पहुँचती हूँ, तो आप ही बताइए कि उस वक्त कौन सी कुकिंग का टाइम होता है। लेकिन इसके अलावा मैं घर के और दूसरे काम बहुत अमली तौर पर करती हूँ। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ, तो वक्त पर हर बिल जमा होता है, वक्त पर बच्चे हमेशा स्कूल जाते थे, वक्त पर सारा काम मैं खुशी से अंजाम देती, तो उस वक्त मेरी इज्जत रह जाती, मेरे ससुराल में भी नहीं देखो इतना काम करती है। चले ये नहीं करती तो ये काम तो करती है ना, माशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन सबका साथ रहता है। तो बहुत इनहमाक के साथ और बहुत शौक के साथ मुझे जो है ना इस वक्त सुमैरा देख रही, तो मैं सुमैरा से पूछती हूँ कि सुमैरा पहला खाना क्या बनाया था आज किसी और दुनिया में? आपने पिछली पर भी यही सवाल मैंने पूछा था लेकिन आपने बताया, लेकिन आप मुझे ऐसे देख रही हैं, चलो पहला खाना नहीं, चलो अच्छा खाना क्या अच्छा बनाया? मैं ये बताती हूँ कि नहीं अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ससुराल की बात तारीफ नहीं कर सकती, मैं ससुराल की बात नहीं कर रही, मैंने ससुराल का पूछा था, मैं क्या पूछ रही हूं, मैं भी घर में क्या बनाया पहले खाने का? पहले खाने का ये कि मुझे खाना बनाने का शौक ही बहुत था। मेरी अम्मी नहीं भी कहती थी मुझसे तो भी मैं किचन में घुसी हुई होती थी, एक्सपेरिमेंट करती थी, बस ये बनाना है वो बनाना है, तो मैं शौक से पकाती थी खाना। एक दफ़ा ये हुआ कि अम्मी घर में नहीं थी, अम्मी पापा कहीं गए हुए थे, बाकी बहन भाई छोटे थे, तो मैंने खिचड़ी बनाई। अच्छा, खिचड़ी जब बनाई तो मैं भी नमक डालना भूल गई, नमक डालना भूल गई, सब खाने बैठे, अम्मी पापा भी आ गए, तो ज़ाहिर है कि माँ बाप तो कोई कमी का एहसास होने ही नहीं देते, तो वो यही कहने लगे नहीं अच्छा बना है लेकिन बेटा अगर नमक डाल देती तो ज़्यादा अच्छा होता। जब अम्मी ने खाया तो अम्मी ने कहा इसमें तो बिल्कुल नमक नहीं है बेटा, आप डालना ही भूल गई। उसके बाद अम्मी ने सब सारी डिश के जो चावल थे खिचड़ी वापस वो पतीली में डालकर उन्होंने पानी में नमक घोला, उस वक्त उन्होंने ठीक किया कि अभी तो इसको खाने के काबिल बनाया जाए कि हम सबका पेट भर जाए, लेकिन उसके बाद बेटा आइंदा ख्याल रखना। तो फिर जाहिर है कि सीखते सीखते इंसान सीखता है, ये मैंने स्टार्टिंग की बात आपको बताई, और अब जाहिर है कि हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन इंसान है भूल चुक तो हो ही जाती है। नहीं, जब शुरू शुरू में तो ऐसा घबराहट में भी आप होते हैं ना। अच्छा, अब जैसे बकरीद है, सबके घरों में बारबेक्यू हो रहा होता है, तो किसको शौक किसको ज़्यादा है तुम में से बारबेक्यू का? इसको तो इसने तो कह दिया कि वो एक इंसिडेंट के बाद तो मैं डर गई हूँ बिल्कुल। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है बारबी, जब भी तो वो बना आके पूछते हैं कि ये सब चीज़ें रेडी कर, गैदरिंग शायद बनाने का इतना शौक होना, लेकिन वो गैदरिंग का बड़ा शौक, सबको जमा करना, कि वो जो एक जमा होके और गेट टुगेदर होता है ना। अब वैसे भी खवातीन तो कम ही करती हैं, वो घर में सारे मर्द बहन भाई सारे भाई होते हैं, कजन्स होते हैं जो कि बना रहे होते हैं, तो ऐसा सहार तो बिल्कुल खामोश बैठी नहीं। सहार ऐसा क्या है क्या नहीं बनाना होता, बिल्कुल दिल नहीं चाहता बारबेक्यू का? नहीं चाहता है बिल्कुल, लेकिन आपकी वाली बात कि मर्द हजरात का इसमें ज़्यादा रोल ऑफ मॉडल होता है। भाई घर में हम होते थे जब शादी से पहले, तब मेरे मुझसे जो बड़ा भाई है फैजान, तो उसको बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर हो जाए, बारबेक्यू मसाला भी लग जाना है, सब कुछ हो जाना है, और यही शादी के बाद है। मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, और जिस तरह सब ने बताया, एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि नौरीन बाजी ने बताया, अंबर बाजी ने बताया, मज्जू ने बताया कि शादी से पहले अम्मी खाना दे देती थी महफिल से आकर, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़रों बद से बचाए, शादी के बाद भी यही है कि अभी भी मैं महफिल से आऊँ तो मुझे खाना रेडी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मामा बहुत अच्छी हैं, सपोर्टेड हैं माशाल्लाह, और खाना आगे पेश होता है, यहाँ मैं चेंज करने जाती हूँ या खाना आ जाता है हाजिर हो जाता है, मुझे नहीं पता मेरी बच्ची कैसे पीछे अच्छे हाल में होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे माँ की कमी, माँ की तो ज़ाहिर कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल माँ वाला उनका किरदार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जैसे अब बकरीद में हम सब जमा होते हैं और सब कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन एक एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है वो होती है कलेजी। अब गोश्त आया ही नहीं है, कलेजी आएगी तो पकेगी, मसाला लगेगा तो पकेगी, तो क्या हुआ इस दफ़ा? तैयार बैठे होते हैं, पकती है नहीं, खाने वाले पहले तैयार। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि हम वो कलेजी खाएँगे तो कुछ खाएँगे, ऐसा होता है घरों में, और उस वक्त तक कुछ नहीं खाया होता। अब देर हो गई, इस दफ़ा क्या हुआ? अंबर नहीं,
टाइम पे आ गया था गोश्त? अब तो कसाई भी बहुत तेज हो गए हैं, वो पहले ही कलेजी निकाल के दे देते हैं, लीजिए बीबी ये पका ले। पहले वही निकालते हैं, हमारे सर पे ना खड़ी रहे कि कलेजी दे दो, कलेजी दे दो, नहीं खानी होती है, पहले ही दे देते हैं, कोशिश होती है जब तक गोश्त बनाएंगे कलेजी पक्के आ जाएगी। अच्छा जमीना, आप क्या मसाला कौन लगाता है कलेजी में? सॉरी मुझे समझ नहीं आई। कलेजी में मसाला आपके घर में कौन लगाता है? मेरे हस्बैंड लगाते हैं। और मुझे आप जो इनसे इंसिडेंट पूछ रही थी कि क्या इंसिडेंट था, तो अचानक मुझे भी याद आ गया, ऑब्वियसली सीखने की कौन सी एज होती है, अब इंसान परफेक्ट होता है जब वो सीखता है, समझता है, दूसरों की बातों से सीखता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कुकिंग की थी, क्योंकि यू नो अपनी जो हमारी शादी की एज होती है, शादी से पहले के जो रूटीन होती है, वी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू चूड़ियाँ एंड मेहंदी एंड दैट्स ऑल, लेकिन कुकिंग नहीं आती थी। तो जब फर्स्ट ईद हम लोगों ने सेलिब्रेट की, तो मैं इन ज्वाइंट नहीं थी, क्योंकि जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे शोरकोट, हम वहाँ थे, तो मैंने वहाँ कोशिश की थी मटर पुलाव बनाने की। हाँ। लेकिन मैं उसमें ऑयल की मेजरमेंट करना भूल गई थी, तो वो जैसे सूखे सूखे चावल या अब बताना पड़ रहा है, तो वो कुछ इस किस्म का था। अब मेरे हस्बैंड कहें कि प्लेट दिखाओ तो सही भी आपने क्या बनाया है, मैं कहूँ नहीं नहीं प्लीज़ आप हंसेंगे नहीं, आप पहले प्रॉमिस करें आप हंसेंगे नहीं। तो मैं ऑयल डालना उसकी मेजरमेंट करना भूल गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, हमें तो नहीं पता, सपोर्ट किया, हमें नहीं मालूम। बिल्कुल, इसके लिए आपको मेरे घर दावत पे आना पड़ेगा, जैसे पहले मैं आपके घर जाऊँगी। अच्छा, वो ड्यू है, उसके बाद अच्छा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बकरीद में, ईद में तो हम कुछ मीठा खा के घर से निकलते हैं या शीर खुरमा खाकर फिर उसके बाद नमाज के लिए मर जाते हैं, लेकिन अक्सर अब जो सुन्नत है कि जी जब कुर्बानी हो जाएगी तो उसके गोश्त से ही कुछ खाया जाएगा या कलेजी खाई जाएगी, तो उसके हवाले से क्या बताएंगी? बिल्कुल ये ज़रूरी है, लेकिन ख़वातीन के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि वो ईद से पहले ही अपनी कुछ ऐसी प्रेपरेशंस करके अगर रख लें, तैयारी करके, ताकि अगर जब गोश्त आए आप उसको इन टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें, मुस्तहकीन तक उनका हक ज़रूर पहुंचाएं। तो अगर आप अपनी पहले से तैयारी या मैनेजमेंट करके रख लेते हैं तो आपको हेल्पफुल ये चीज़ होती है। फिर सफाई सुथराई का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस बकर ईद पर, क्योंकि कुछ लोग नहीं, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे हम नाश्ता नहीं किए हुए होते तो नाश्ता नहीं करने के बाद अब जब बकरीद का गोश्त आएगा तो फिर हम अपना खाना खाएंगे या कुछ, क्योंकि काफ़ी देर बाद आता है, तो उस हवाले से मैं पूछ रही थी। लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्फे का वक्त है तो आप एक ज़रा ब्रेक ले लीजिएगा। ओके, आप देख रहे हैं ईद कुर्बान का खसूसी प्रोग्राम शान ईद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको, हमारा प्रोग्राम शान ईद क़ुरबान और हम सब यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे से बातचीत भी जारी है। और क्योंकि ये हज का ज़माना अभी गुजरा, हज सब ने किया, तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि क्या हम में से, यकीनन सब ने मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब हुई है, तो हज किस किस ने किया? जी आपा, आपको हज की सआदत हासिल हुई अभी? नहीं हुरिया, मुझे हज की सआदत नसीब नहीं हुई। कि मज़ा तो तब है कि अपनी यूं ही बसर हो, हरम में शाम और तैबा में सहर हो। इंशाल्लाह। तो मैं 19 साल से उम्रे पे जा रही थी, लगातार कोई साल भी गैप नहीं हुआ, और 20 और 21 करोना की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार हज की सआदत नसीब हो, यही हमारी असली ख्वाहिश है। और यकीनन साहिब इस्तेताअत के हवाले से तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम जो जो इस्तेताअत के काबिल है, जिसके पास इस्तेताअत है, तो वो हज ज़रूर करें। आप क्या कहेंगी जर्मीना? बिल्कुल हुरिया, देखिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ये इस्तेताअत अता फरमाए, और यकीनन जैसे कहते हैं जब बुलावा आएगा तो हम जाएँगे, क्योंकि बेशक उनकी सरकार में भीड़ थी पर करम भी था, महवे इल्तजा लोग थे, मैं था, हरम भी था,
और लिखते जाते थे हर एक का मुकद्दर महमूद, जाने आलम के पास लोह भी थी और कलम भी था। तो दुआ है परवरदिगार आलम से कि हम सबको ये इस्तेआत और ये सआदत जल्द से जल्द अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और यकीनन मदीना शरीफ की हाजिरी तो नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह आपको? हाजिरी अभी नहीं हुई है, इनकी हाजिरी भी नहीं हुई है, तो इनके लिए बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हाजिरी का शर्फ बख्शे इंशाल्लाह अज़ीज़, और ये मदीना शरीफ की बहारें देख कर आएँ। सुमैरा आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि आपको हज या उम्रे का शर्फ मिला? तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स के साथ जा चुकी हूँ, मेरे भाई भी गए थे साथ, लेकिन अब ख्वाहिश है कि और मेरे हस्बैंड की भी यही ख्वाहिश है कि उम्रे से पहले ही हम हज करें, सबसे पहला हज ही करें जी। अल्लाह पाक हमें नसीब करे और हम सब लोगों को अल्लाह पाक वहाँ जाना नसीब करे, बार बार जाना आना नसीब करे। सही, बस यही ख्वाहिश है और यही दुआ भी, अल्लाह पाक से अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। और एक नाथखा की जिंदगी पे मतलब सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही होती है कि आप जिनके लिए जिनकी बारगाह में आप नात पढ़ रहे होते हैं, बार बार आप जहाँ भी जा रहे होते हैं हुजूर की बारगाह में आप नातें पेश कर रहे होते हैं, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ जाकर हुजूर की बारगाह में दुरूद नात सलाम के नजराने पेश करें और अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने पेश करें, काबतुल्लाह शरीफ की ज्यारतें करें। तो इस हवाले से नौरीन से पूछते हैं, नौरीन ने तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र में ही उम्रा किया, तो हज के हवाले से? हज की सआदत से मैं भी महरूम हूँ, जैसे हम सभी के हम लोगों में से कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि जो हज किया हुआ हो, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जब मैं हज पे जाऊँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँ, मेरे बच्चे भी जाएँ। आमीन। क्योंकि जब मैंने उम्रा किया था तो नूरे फातिमा थी, गोद की थी, वो गोद में थी, और फिर जब मैं दोबारा जब गई तो वो माशाल्लाह चलने फिरने वाली बच्ची थी, एक साल डेढ़ साल की थी। तो उमर उस्मान को यही रहता है कि मम्मा मैं भी हम भी जाएं आपके साथ ना, तो मेरी ये दुआ है कि आप इंशाल्लाह मैं हज करूँ आमीन इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबको, साहिब इस्तेआत फरमाए जी। अंबर आमीन। मैं भी ये कहूँगी कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा तो कर लिया और सरकार का रोज़ा देख लिया, लेकिन ख्वाहिश है कि बार बार जाए, और हज अभी तक तो नसीब में नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह से दुआ है परवरदिगार से कि जल्द अज़ जल्द ये भी होती है और बिल्कुल, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जब अब जब इंशाल्लाह ताला जाना हो तो सास और अम्मी अबू मतलब मेरी पूरी फैमिली इस तरह हो, क्योंकि मेरी सास की बहुत शदीद ख्वाहिश है कि मतलब अल्लाह ताला जो है पहले मैं हज करूं, कोई सबीर हो कि सब एक साथ जाएं और हज की अदायगी भी करें जी। सहार बिल्कुल, जिस तरह सबकी ख्वाहिश है उस तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि हज की एक ख्वाहिश है कि इस चीज़ से भी महरूम हो, और उम्रे की भी मुझे हाजिरी अभी तक नहीं हासिल है इंशाल्लाह। जाने का था, तैयारियां सारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर पापा की डेथ हो गई, तो फिर उस वजह से पापा ने कहा था सब तैयारियाँ, बस कहा था कि अपनी तैयारी पकड़ लो अब चलना है सारे बुलावे, लेकिन की फिर वो बस बुलावे की बात है, बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द हाजिरी नसीब अता फरमाए हम सबको इंशाल्लाह। लेकिन जाना नहीं हुआ, आप तमाम से भी गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिए। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह अज़ीज़। और जो लोग हज पे गए हैं अभी इस साल जिन्होंने हज किया, उन सब के लिए बड़ी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला उनके तमाम जो उन्होंने अरकान अदा किए, जो भी वहाँ पर उन्होंने इबादतें की, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए और उनके सदक़े में हम सबको भी हज बैतुल्लाह की सआदतें नसीब फरमाए। और हम सब जो लोग देख रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं और जो चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में जाकर लब्बैक की सदाएं लगाएं, तो वो जाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज की सआदत हासिल कर सकें। आपा कोई पैगाम देना चाहेंगी? देखिए हुरिया, हम मुसलमान हैं और हमारी सारी ज़िंदगी तस्लीम व रज़ा से इबारत है। दीन इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए हमें किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए, और अल्लाह की रज़ा के आगे तमाम दौलत, सारी आसाइशें और सारे रिश्ते नाते बेमायने होकर रह जाते हैं। और मसलके इश्क़े इलाही के राही अल्लाह ताला की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करके ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनते हैं। अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हमें उस सुन्नत को सही तौर पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ज़रमीना क्या कहेंगे? पूरिया देखें, आजकल वैसे ही ये मोहब्बतें, ये कुर्बतें कम हो गई हैं, रिश्तों में मिलना मिलाना या एक दूसरे के लिए वसत रखना, स्पेस रखना अपने दिल में, तो कोशिश करनी चाहिए हम सबको कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं, हम नेगेटिविटी को इग्नोर करें, ईद की खुशियों में ना सिर्फ खुद उनको सेलिब्रेट करें
बल्कि दूसरों को भी शामिल करें। और जैसे हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, तो मैंने एक चीज़ जो अपनी फ्रेंड अबीर से सीखी कि वो स्पेशल कढ़ाई बनाकर, मटन कढ़ाई इस मौके अच्छा, पे खुद पकाकर गरीबों में तकसीम करती है। तो इससे भी हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप होती है, फीलिंग आती है कि हमें एहसास करना है कि जब आप पका के किसी को कोई चीज़ देंगे और मुस्तहकीन तक उनका हक, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पका ही नहीं सकते, गोश्त भी चला जाए उनके पास पकाने का मसला है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, उतना ही खाइए जितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो। कुछ लोग, जैसे अभी बातों के दौरान भी अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग उतना ही खाते हैं जो जीने के लिए ज़रूरी होता है। तो आई थिंक दिस इज़ बेटर, ये हमारी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। फिर रिश्तों की कदर करना, स्पेशली माँ के रिश्ते की कदर करना, क्योंकि इस रिश्ते का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है। और मेरी जानिब से आप सबको, देखने वाले तमाम लोगों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, और यकीनन ये तो बरकत की दुआ है कि हम ईद की बरकतें अल्लाह ताला की तरफ दुआ कर रहे होते हैं कि तमाम बरकतें फ़ज़ाइल हासिल हो सकें हम सबको। तो अब सुमैरा से पूछते हैं कि सुमैरा क्या पैगाम देना चाहेंगी ईद कुर्बान के वाले। पैगाम यही है जो हर साल होता है कि कुर्बानी जिस जिसके घर भी होती है वो अपने फ्रिज और डीप फ्रीज़र ना भरें, मुस्तहिक तक उनका हिस्सा ज़रूर पहुँचाएँ। सही। और कुछ लोग होता है सोचते हैं कि अब हमारे घर कुर्बानी होगी साल तो हम ये पका के खाएँगे, ये पका के खाएँगे। तो जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, वो भी सोचते हैं कि जो हमने पूरा साल नहीं खाया तो हम ईद कुर्बान पर ये बनाकर खाएँगे। तो उन तक उनका हक ज़रूर पहुँचाएँ। सही। और डीप फ्रीज़र में क़ैद करके ना रख लें गोश्त को पूरे साल के लिए। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बांटने से डर रहे होते हैं। मैंने कल एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा, वो कहता कि ये बड़ी ईद नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि गोश्त के बहुत सारे शॉपर हैं और रिश्तेदारों में बांटना है। सही, तो सही, ये जो है इस वजह से भी आपके फ्रिज भरे रहते हैं बहुत सारे लोगों के। तो भाई बांट कर लेते हैं लोग पूरे साल के लिए, तो वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इंसान का अपना ज़मीर और दिल भी मुतमईन रहे अगर मुस्तहिक तक भी पहुँच जाए तो। और तरीका कार ये होना चाहिए कि आपका सारा गोश्त आप पहले मिक्स करें और उसके बाद फिर बांटें, ये नहीं कि अच्छा वाला रख लिया और उसके बाद उसमें जो बच्चा है वो दे दिया। ये बात भी जी सहार क्या कहेंगी। मैं भी ये कहना चाहूँगी पहले तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से, हमारी फैमिली की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक बात कहूँगी, जिस तरह सबने अपने मैसेज दिए, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हुरियाबा जी जो आपसे नाराज़ हैं आप उनसे रूठे नहीं रहिए, ईद का मौका ऐसा होता है कि आप पहल कीजिए, आगे बढ़िए और उनको मनाइए, राज़ी कीजिए। अगर कुछ मनाना भी इस मकसद के ऐसे कह रही हूँ, अगर आप उनसे सॉरी भी नहीं कहें पहले, तो सॉरी कहने में पहल कर लेनी चाहिए, मेरे ख्याल में शर्म नहीं होती। लेकिन आप सिर्फ उन्हें ईद मुबारक भी कह देंगे तो उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आप आगे बढ़िए। हाँ, मतलब ज़ाहिर है जो माफ़ी मांगने वाला है वो भी इंसान है और जो माफ़ी देने वाला है वो भी इंसान है। और हम सब चाहते हैं कि जैसे हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और हमारी उम्मीद होती है कि अल्लाह हमें फ़ौरन माफ़ कर देगा, तो ऐसे ही इंसान के अंदर भी वो उस पर ज़र्फ़ होना चाहिए कि वो दूसरे इंसान की गलती को माफ़ करे और उसके साथ घुल मिल जाए। क्योंकि ये तो ईद की खुशियाँ ही होती हैं जिसमें आप एक दूसरे के साथ मिल भी लेते हैं, वरना आज के दौर में किसी के पास वक्त नहीं। क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि आज कल एक छोटा सा बच्चा होता है वो भी बहुत मसरूफ़ है, तो ऐसे ओकेजन्स में तो स्पेशली कहूँगी कि वो सारी चीज़ें भुला के, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आजकल ज़िंदगी बहुत मुख्तसर, कुछ पता ही नहीं है, बहुत मुख्तसर है, इन चीज़ों में ये नाराज़गियाँ और ये सब इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो सके खुद भी सुकून में रहें, दूसरे को भी सुकून में रहने से। पर मेरे ख्याल में इंसान ज्यादा पुरसुकून होता है जब वो किसी से इस तरह की कोई नाराजगी पाल के नहीं बैठा हुआ होता। और हुरिया ईद कुर्बान है तो अना की कुर्बानी, ईगो की कुर्बानी देना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा कि आपकी अना की कुर्बानी भी तो जरूरी है कि आप हैं क्या चीज़ जिसने अल्लाह ताला ने आपको बनाया, और आप यकीनन इंसानों के सामने खुद भी इंसान है। नौरी, मैं भी यही कहूँगी कि नबी पाक की सनाखानी करने में हमें बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अता कर दी हैं, तो समझ भी यही अता कर दी है कि अगर किसी की बात अगर हमें बुरी भी लग रही होती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलें कोई बात नहीं, जाने दें, थोड़े वक्त का साथ है, फिर वही सब चीज़ें होनी है तो उससे जाने दरगुजर कर दें। और अगर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो ज़ाहिर है हम सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला है, वो सब फैसले कर देता है। की तालीमात के अगर करीब हो ना तो फिर ये सब चीज़ें आपके ज़हन से निकल जाती हैं। और आप तो सबको दरगुजर करने की कोशिश कीजिए कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। बिल्कुल, और तकलीफ़ पहुँचाने की ज़रूरत भी नहीं है, और ख़ास तौर पर इस लड़की को बात पता होनी चाहिए नहीं पहुँचानी, मुझे खाने पीने में तकलीफ़ बहुत पहुँचाती है लड़की, मुझे रोकती है।
अक्सर औकात हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर लोग नाराज़ होकर बैठे हुए होते हैं, तो फिर हमें ख़ुद से भी कोशिश करनी चाहिए कि वो आपस में मिलें, एक दूसरे से घुल मिलकर बात करें, और यकीनन इसी तरह से फिर हम लोगों की नाराज़गियाँ दूर करने में भी एक नेकी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, क्योंकि हम सब यहाँ पर मौजूद रहे और शान ईद क़ुरबान में आपने देखा कि हम सब आप सब के साथ खुशियाँ बांटने में मसरूफ़ रहे, और ये वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया, पता ही नहीं चला कि आज ये ईद का दिन आपके साथ हमने कैसे गुजर, जो दो घंटे ढाई घंटे जैसे थे वो ऐसे ही गुजरते चले गए, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मेरी इन बहनों के साथ, और आप सब जिस तरह से मेरे साथ मसरूफ़ रहे बहुत अच्छा लगता है, और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह मोहब्बतों के साथ, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और वो मोहब्बत जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ हैं वो बड़ी पायदार मोहब्बत है, और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह मोहब्बतों के साथ रखे, मुखलिस रखे एक दूसरे के साथ। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी मेहमानों का कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और हम सब ने यहाँ मिलकर ईद मनाई, और ये ख़ानदान क्यू टी वी जो जमा हो रहा है, इंशाल्लाह अज़ीज़ और भी बहुत सारे ख़ानदान के अफराद यहाँ पर जमा होंगे क्यू टी वी पर, और आप देखते रहेंगे कि कौन किस तरह से आपके साथ ईद मना रहा है, किसकी क्या यादें हैं, वो सब यहाँ पर शेयर होती रहेंगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे हज के हवाले से, तो जिस जिसने हज नहीं किया, उम्रे के लिए गए हैं, कुछ लोग उम्रे के लिए नहीं जा सके हैं, मदीना शरीफ की हाजिरी अभी सआदत हासिल करना नसीब में नहीं आया है, तो उन सब की और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मदीना शरीफ जाएं, काबतुल्लाह शरीफ जाएं, वहां जाकर अपनी रुदाद अल्लाह की बारगाह में कहें, उस काबतुल्लाह शरीफ की ज्यारतें करें, मदीना शरीफ जाके हुजूर की बारगाह में दुरूद व नात व सलाम पढ़ें। तो उन्हीं लोगों की ख्वाहिशात के लिए ये दुआ करते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ, और इस कलाम के साथ जो हम सब अभी पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि हम सब काबतुल्लाह शरीफ देख सकें, बार बार देखें, बार बार जाएं, जैसे सबीउद्दीन सबी रहमानी का एक बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत प्यारा लिखते हैं और बहुत अच्छा कहा कि मदीने जाऊँ फिर आऊँ, दोबारा फिर जाऊँ, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बार बार हज और उम्रे की सआदतें नसीब करे, इस प्यारी इन सातों में ये दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला हमें बार बार वहाँ जाना नसीब करे। इस कलाम के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, हुरिया फ़हीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह 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 अल्लाह, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन ही तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, और जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, जब पहली नजर
दिल झूम सजाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, कि वो पहले बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, अल्लाह अल्लाह दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा।